Hello friends, welcome to my YouTube channel Cooking with Girija. कई बार क्या होता है केले ज़्यादा पक जाते हैं फिर उसको कोई खाता नहीं है तो मैं आज आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो ज़्यादा पके हुए केले से बनती है तो देखते हैं आज इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इस रेसिपी का नाम है बनाना फ्रिटर्स या पझंपोरी पझंपोरी इसे केरला में बोला जाता है क्योंकि बेसिकली ये केरला का स्नैक है तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए पके हुए केले दो एक कप मैदा आधा कप चीनी और फूड कलर एक दो पिंच आप हल्दी भी ले सकते हैं फूड कलर की जगह पे पानी और फ्राई करने के लिए ऑयल सबसे पहले केलों को काट के निकाल लेंगे ये केले की वैरायटी केरला में ही मिलता है इसका नाम है नेंद्रा बहुत ही हेल्दी होता है केरला और उसके आसपास के इलाकों में इसकी खेती होती है देखिए कितना पका हुआ है ये अंदर से इस तरह से छिलके निकाल देंगे दोनों केलों के इसको बीच में से कट कर लेंगे इसके इस तरह से पतले पतले स्लाइस कर लेंगे बनाना फ्रिटर्स बनाने के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं बाउल में मैदा डालेंगे शुगर एक दो पिंच हल्दी आप फूड कलर भी ले सकते हैं पानी के साथ इसे रेडी कर लेते हैं इस तरह से शुगर डिसॉल्व होने तक मिक्स करेंगे इस तरह से देखिए बैटर रेडी हो गया है इसमें केलों को ऐसे डिप करके ऑयल में डालेंगे इस तरह से देखिए इसको दोनों साइड से अच्छे से पका के निकाल लीजिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में ये रेडी हो चुका है बनाना फ्रिटर्स
या पझंपुरी, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में। और मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।